सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो पहले बात कर लेंगे हनी पाजी के बारे में। तो हनी पाजी अपने पॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसा कहा है माफिया मुंडीर को लेकर, आप लोग खुद ही देख लो। रफ्तार की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था, और मैंने उठाया नहीं था, उठाया ऊपर वाले ने, मैंने उसको पिक किया था, चूज किया था, इज अ गुड टैलेंट। वो बात हो रहा है कि उसने किसी के कहने पे मेरे ही खिलाफ हो गया, वो आप चलो ये बात की बात है। लेकिन अगर रफ्तार, लिल गोलू और इक्का, ये इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और माफिया मुंडीर के साथ करने का मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जरूर करूंगा, क्योंकि ये जमीन से उठे, सड़क से उठे टैलेंट है। और इक्का और लिल गोलू ने तो कभी मेरे खिलाफ नहीं बोला, रफ्तार ने बोला किसी के कहने पे, शायद मुझे ऐसा लगता है। किसके कहने पे, क्या लगता है मुझे आपको? लगता है क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं है, के बारे में क्या बात करूं। लेकिन एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, तो मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूं काम करने का। लिल गोलू के साथ मैं करूंगा, इक्का के साथ मैं करूंगा, बट बादशाह नेवर, बादशाह के साथ नहीं, ही वाज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ माफिया मुंडीर ब्रो। तो चलिए बात कर लेंगे एमए भाई के बारे में। सो बेसिकली आप लोग जानते हो हाल फिलहाल में एमए भाई के साथ किंग भाई का एक बीफ हुआ है। तो जो आर्टिस्ट है गिरी कमान, जिनके साथ हनी पाजी के एल्बम के अंदर भी एक ट्रैक है और इससे पहले भी उन्होंने काफी सारे काम कर चुका है, उन्होंने इसको लेकर बात करे थे, आप लोग खुद ही देख लो उन्होंने क्या कहा है। अब वो डिस चल रहा है आजकल बड़ा, वो अपना एमबीए बंटाई ने फाड़ दिया उसकी, मतलब कहीं का नहीं, थोड़ा रेप कर दिया यार उस बंदे का यार। अब किसकी लिंक, सॉरी किंग की बात कर रहे हो, क्या निकल जाता है। हाँ यार, व्हाई, मतलब ही स्टार्टेड ना, एग्जैक्टली ही स्टार्टेड, एमबीए बंटाई ने उसको रिएक्ट करा, उसके पास जवाब ही नहीं है यार, फाड़ के रख दिया है। मतलब मैं अगर उस डिस को हम बाइफरकेट करते हैं, भाई ने एक भी काउंटर नहीं दिया, एलिगेशन लगाया विदाउट प्रूफ लगाया, तो कोई लॉजिक रहा ही नहीं। यस, एमबीए बंटाई का मैं कल रात को, कल शाम को जब आया था ना, कल आया था, परसों आया था, मैं कल सुन रहा था, परसों रात को आया था, हाँ परसों रात को, कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब क्या क्या कह दिया, तौबा तौबा यार, यार रेप कर दिया उसका यार, फक कर दिया कसम से यार। वो मेरे ख्याल से क्या ही शक्ल देख रहा शीशे में अपनी, कि मेरे साथ क्या हो गया ये। इसके अलावा आप सभी जानते हो मनिंदर भुट्टर भाई के साथ एमए भाई का एक कोलैब ट्रैक अभी भी पेंडिंग है। तो किसी ने मनिंदर भुट्टर भाई के पोस्ट के नीचे कमेंट करे थे, भाई वी वांट एमए एक्स मनिंदर भुट्टर। तो मनिंदर भुट्टर भाई लिखा है, आज कुछ हिंट देंगे और गाना तो समझो मशीन पे चढ़ गया। तो लगता है बहुत ही जल्द हम लोगों को कोलैब ट्रैक देखने को मिलेगा, बाकी देखते कब तक आता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।